कह लो स्कूटर या इसको कह लो स्कूटी या कुछ भी कह लो भाई, फास्टेस्ट स्कूटी लेके आने वाला हूँ मैं आज, जो कि भाई बैटरी में आने वाली है। गाइस दो मिनट में धुआं बन गया यार वो, यार मतलब मैं पापा मेरे उस गाड़ी बैठे हैं डबल पे, वो इतनी तेज धुआं बनी है, बहुत तेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे गाड़ी भाई, आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हो भाई कितनी बड़ी इसकी डिस्प्ले है। और अगर इसकी इसे टॉप स्पीड कितनी है? 116 भाई। ओ भाई साहब आवाज सुन रहे हो आप? अरे भाई बहुत तेज साउंड है। अरे भाई साहब अच्छा ये हाइपर है। सो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं आपका प्रिंसिपल आ गया हूँ फिर से बहुत बेहतरीन सा व्लॉग लेकर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और एक्चुअली में आप लोग देख ही रहे हो कि ब्लॉग की भी टाइमिंग बहुत डिले हो चुका है, क्योंकि पहले आता था 2-3 दिन में एक ब्लॉग, अब आ रहा है 6-7 दिन में एक ब्लॉग। क्योंकि देखो गाइस मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं, और अगर मैं सच बताऊँ तो एग्जाम से वैसे मेरे को कुछ इफेक्ट इतना पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता। मेन चीज़ जो है गाइस वो है कंटेंट को लेकर। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि यार कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंटेंट नहीं दिखाना चाहता। मैं यहाँ को यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि यार आपको रोज़ सुबह उठूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसमें दिखाऊंगा तो देखो उसमें आपको भी मज़ा नहीं आने वाला, मेरी भी रीच रुकेगी, और इसलिए भी मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा कुछ दिखाऊँ। तो मैं ये ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊँ जिसमें आपको भी मज़ा आए और नॉलेज भी गेन हो। और सबसे तगड़ी बात जो चीज़ें होनी चाहिए वो होता है भाई मज़ा आना चाहिए ब्लॉग में। तो गाइस उसी हिसाब से मैं आज एक ऐसा ब्लॉग लेके आने वाला हूँ जो कि अभी तक बरेली में शायद एक ही ऐसा ऐसी बाइक है, या उसको कह लो स्कूटर या उसको कह लो स्कूटी या कुछ भी कह लो भाई, फास्टेस्ट स्कूटी लेके आने वाला हूँ मैं आज, जो कि भाई बैटरी में आने वाली है। और गाइस उसकी टॉप स्पीड मैंने सुना है शायद 100 से अबव है। तो मैंने बहुत सारी बैटरी वाली स्कूटी चला रखी है जिनकी स्पीड 60-70 से ऊपर किसी की नहीं होती भाई, लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्कूटी दिखाने वाला हूँ जिसकी मोर देन शायद 110-115 तक उसकी टॉप स्पीड है भाई। आप समझ सकते हो एक स्कूटी की, नॉर्मल एक्टिवा की नहीं होती भाई इतनी। अगर मैं बताऊँ एक्टिवा भी 90 पे जाकर ऐसे से ब्लिंक करने लगती है। तो भाई आज हम लोग दिखाने वाले हैं, और पूरा का पूरा स्कूटी का मुझे नाम वाम नहीं पता, पापा के एक फ्रेंड ने ली है, मैंने देखा भाई उसका मीटर डिजिटल मीटर है, पूरा टैबलेट के बराबर तो उसका डिजिटल मीटर है। तो बस चलते हैं जल्दी से उसका पूरा का पूरा रिव्यू लेते हैं। अभी चलते हैं फिलहाल जल्दी से रिव्यू कराने के लिए, पापा ने बोला है कि आओ चले चलते हैं, और उनका घर चलते हैं पहले जिनकी स्कूटी है उनके घर जाकर दिखाते हैं कैसे क्या सीन है। लेट्स गो भाई। अभी हम जा रहे हैं, वो सामने वाला घर है भैया का, और पापा जा रहे हैं। ये बहन आई है कल ही, ये एक्चुअली में समागम में गई थी 11 दिन के, और गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन मैं अभी गाड़ी दिखाऊंगा नहीं। और इस घर में एक और बहुत सी चीज़ है, हमारी ऐना का एक बेबी भी है, तो पहले हम उस बेबी को आपको दिखाएंगे फिर उसके बाद गाड़ी दिखाएंगे, ठीक है? लेट्स गो। रेस के क्रम मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। एग्रेसिव नहीं हो रही है, प्यार कर रही है। तो गाइस पापा गए अभी अंदर, इसके चक्कर में मुझे बाहर खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि इसको लग रहा है डर। और गाइस यहाँ पे खड़ी है हमारी स्कूटी, चुप रहना नाम पहले बोल, इसका मैं आपको सिर्फ शीशे दिखा सकता हूँ। गाइस बहुत ही प्यारी लुकिंग है स्कूटी की, तो अभी चलते हैं फिर। तो गाइस आज है सेकंड डे, और आज मैं जा रहा हूँ भाई ब्लॉग बनाने, कल बन नहीं पाया था किसी प्रॉब्लम से, एक्चुअली मैं जिनके यहाँ गए थे उन्हें किसी काम से जाना था, तो आज जा रहा हूँ भाई। गाड़ी मेरे आगे चल रही है, मैं अभी इस टाइम स्प्लेंडर पे हूँ। गाइस दो मिनट में धुआं बन गया यार वो, यार मतलब मैं पापा मेरे उस गाड़ी बैठे हैं डबल पे, वो इतनी तेज धुआं बनी है, बहुत तेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे गाड़ी। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कूटी। तो गाइस ये है वो स्कूटी भाई, ये स्कूटी का नाम है भाई ओला F1 Pro, पता नहीं अभी पूरा नाम है जो मैं बताऊँगा। और गाइस ये वाली स्कूटी बरेली में मिल नहीं रही है, एक्चुअली मैं ऑनलाइन उन्होंने मंगवाई है। तो ये है भैया, भैया इसका नाम क्या है स्कूटी का? ओला F1 Pro। अच्छा तो ये आपने ऑनलाइन ही बुक करी थी? तो मतलब ऑनलाइन कैसे बुक करी है इसको? वेबसाइट है, उस पर जाकर के बुकिंग मिल जाती है। अच्छा मिल जाती है। और ये अभी अभी कितने टाइम पहले आई है? ये मेरी 22 तारीख को आई थी। अच्छा 9 दिन में। अच्छा 9 दिन के बाद आई लखनऊ से? ये बुकिंग के 9 दिन बाद आई थी। अच्छा उनके अपने ट्रांसपोर्ट से आती है। अच्छा उनके ट्रांसपोर्ट से आती है। तो ये UP25 का नंबर कैसे मिल गया आपको? रजिस्ट्रेशन बरेली का है ना? अच्छा रजिस्ट्रेशन बरेली का ये। तो गाइस देख लो सामने इसके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चौकर आता है, पीछे एक सिंगल चौकर आते हैं। और ये वैसे कितने सीसी की है? सीसी में आती है किसमें आती है? ये मोटर बैटरी पे काम करती है। अच्छा और ये कितने की कॉस्टिंग है इसकी? ये ऑन रोड 160 की पड़ी है। 160 की गाइस देख लो, 160 की है। इतने की
इतने की भाई अच्छी खासी बाइक आ जाती है, 160 की ये मिली है। अच्छा इसकी अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहले भाई आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हो भाई, कितनी बड़ी इसकी डिस्प्ले है फ्रंट की। और भैया ये फोन से चलती है? हाँ ये फोन। अच्छा इसमें चाबी वगैरह कुछ नहीं है सीन? तो भाई देखो चाबी वगैरह कुछ है ही नहीं। अच्छा तो भाई ये हो गई ऑन, आपने फोन से आवाज़ सुनी होगी, बूट ओपन करने का है। अच्छा ओ भाई साहब लो बूट, बूट स्पेस भी देख लो भाई, दो हेलमेट की जगह है अच्छी खासी, किसी स्कूटी में इतनी जगह नहीं आती। और क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं? अच्छा ये बटन किस चीज़ के हैं? इसके पावर और मोड के बटन हैं। अच्छा और अगर इसकी इसे टॉप स्पीड कितनी है? 116 भाई साहब, इसकी 116 इसकी टॉप स्पीड है। और ये लाइट्स वगैरह का फंक्शन है सारे? हॉर्न, अच्छा क्रूज कंट्रोल भी है, रिवर्स भी है, ये रिवर्स भी है, रिवर्स सेवा करके दिखाना आप बैठ के। तो गाइस देखते हैं इसका रिवर्स मोड, ये भाई पहली स्कूटी जिसमें भाई रिवर्स मोड आ रहा है भाई, देखो। ओ भाई साहब आवाज सुन रहे हो आप, पूरा रिवर्स गियर ये देखो, गजब। अच्छा ये आपके मतलब फोन से कनेक्टेड है? हाँ। अगर आपका फोन कहीं रह गया तो स्कूटी भी नहीं चल पाएगी? अच्छा इनबिल्ट है कनेक्टर भाई, तो इसमें किसी का ही फोन कनेक्ट हो सकता है, मतलब जिसका आप चाहो ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी नंबर पैड से आप इसको लॉक खोल सकते हो। अच्छा लो, अच्छा गाने वगैरह ही बजते हैं इसमें? गाने वगैरह बजा के दिखाना इसकी साउंड की क्वालिटी भी गाइस, एक बार हम लोग चेक करते हैं। और गाइस ये आप इसका 360 ओवरलुक लो, S1 Pro यहां पे डिनोट है, ये इसकी बैक लाइट है, ये इसकी ये है पूरा का पूरा। और ये अभी गाइस जल्दी में आई है स्कूटी, उसका मीटर देखो अभी, बस के टेस्ट ड्राइव भी लेके दिखाएंगे आपको। और टायर्स वगैरह देखो भाई ओला, और अभी भाई मैं स्प्लेंडर चला रहा था, ये देख लो भाई ये इसके डिस्क ब्रेक है, ये एक इंडिकेटर यहाँ आया है, एक यहाँ इंडिकेटर आया है, ये दो हेडलाइट्स है फ्रंट की। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई, ये इसका मीटर है ये पूरा का पूरा, इसके यहाँ से बटन बटन है, वहाँ पर क्रूज मोड वगैरह है, हॉर्न है, ये इसकी गद्दी आई है। अरे भाई बहुत तेज साउंड है, कम आ रही होगी इसकी साउंड, ज़्यादा आ रही होगी ये, आप इसकी स्टैंड की क्वालिटी देख सकते हो भाई साहब, एक नंबर बस। तो गाइस ये है इसकी साउंड। अच्छा फ़ोन वगैरह आता होगा आपकी जेब में, फ़ोन रखा हुआ है? अब वो OS 3.0 में आएगा, उसका अपडेट अभी इसका अपडेट नहीं आया। अच्छा इसका वो इससे ऊपर एक मॉडल होगा? नहीं, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉडल अपडेट आना है। अच्छा अपडेट आना है, ओके ओके। तो गाइस ये देख रहे हो आप UP25 DQ3776, और इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आते हो गाइस। यहाँ पे दो आती है इसकी लाइट, अच्छा एक लाइट इसकी परमानेंट जलती है, हम एक लाइट ऑफ कर सकते हैं, मैंडेटरी है। अच्छा वो मैंडेटरी है गाइस, सभी में आ रही है आजकल, दो फुटरेस आ रहे हैं नॉर्मल से, दो लोगों के लिए बहुत अच्छी सी कम्फर्ट गाड़ी है ये। अच्छा आपका रिव्यू अगर पूछा जाए कैसा है इस गाड़ी को लेकर अभी तक का, तो बढ़िया। अच्छा बैटरी वगैरह कैसे चार्ज होती है? बैटरी के पीछे है इसका सॉकेट किलोमीटर। अच्छा कितने घंटे लेती है चार्ज वार्ज होने में? साढ़े छः घंटे। और फिर कितना चलती है हर मोड पे? सर इसकी अलग अलग है रेंज। अच्छा मोड कौन कौन से हैं इसके अंदर? इको है, स्पोर्ट्स है, हाइपर, नॉर्मल। ओहो यार इसकी रेंज आ रही है 88 किलोमीटर तक की चलेगी। अच्छा ये है नॉर्मल पे। अच्छा ये जैसे इको पे चल जाएगी 152। हाँ। ये है भाई नॉर्मल पे चलेगी 121। और अगर मोड्स वगैरह चेंज करने तो कहाँ चेंज होंगे इसके मोड्स? पावर बटन है। अच्छा अगर इसको दबा दें हम? वो अभी नहीं होगी। अच्छा अभी नहीं होगी, ओके। जब तक नहीं हटेगा तब तक। अच्छा तब तक नहीं होगी। वाह भाई ये भी कितने अच्छे अच्छे मोड्स है इसके अंदर। और ये देख लो भाई साउंड सिस्टम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, ये बैटरी चार्ज है 100%, बहुत बढ़िया। अच्छा GPS भी है। अच्छा हम यहाँ पे इस पर सर्च करके निकाल के लगा सकते हैं। वाह भाई साहब देख लो भाई, ओके अभी पार्क है, और गूगल मैप वगैरह सब चल जाते हैं भाई साहब। ये देख लो भाई ये है इसका पूरा का पूरा एक ओवरलुक। अब भाई इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं कि चलती कैसे। तो भाई देखा आपने, सिंगल भी साउंड भी नहीं है इसके अंदर, सिंगल साउंड। वाह भाई साहब, चलो गाइस एक बार हम इसको चला के देख के आते हैं कैसे चलती है, फिर चलते हैं। और भाई एक बार आप मीटर देखो, पूरा का पूरा मीटर। अच्छा ये नॉर्मल मोड में चल रही है, बहुत तेज़ स्पीड पकड़ रही है लेकिन।
अगर यहाँ से मुझे उसका मोड चेंज होगा तो कैसे चेंज करेंगे मोड? अच्छा ये किस में आ गई? स्पोर्ट्स में। यहाँ पर से फ़ोन पकड़ना है इसको गाइस। तो ये है भाई स्पोर्ट्स मोड में, और मैंने अभी बिल्कुल भी इसको एक्सेलरेट करा नहीं है। एक बार इसको मोड़ते हैं और एक बार इसको एक्सेलरेट करके देखते हैं भाई कितनी स्पीड जाती है। ये देख लो भाई इसकी इंडिकेटर की आवाज़। ये हमने दिया इंडिकेटर और उसको घुमाते हैं एक बार। अच्छा ब्रेक छोड़ दे तो भाई के गाइस ये है स्पोर्ट्स मोड में। अरे भाई साहब, अरे गजब, ओ भाई ब्रेकर आ गया गाइस, बहुत तेज भाई, बहुत तेज है। मुझे ये लगता है गाइस कि इससे ज़्यादा फास्ट स्कूटी कोई होगी हमारे इंडिया में। वैसे इससे फास्ट स्कूटी है अभी तक बैटरी में? अभी तक नहीं है ना, यही है। तो गाइस ये देख लो। अच्छा तो गाइस ये है भाई बैटरी वाली स्कूटी। अब इसको यहाँ पार्क करते हैं। चलो भाई, और मैं आपको एक बार क्रूज मोड और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, अच्छा ये गाइस मैंने क्रूज मोड यहाँ से लगा दिया। अच्छा हट गया, अब लग गया। ओके ये वो वाला क्रूज मोड है, मतलब हटा दो अपने आप इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो गाइस ये देख लो भाई 22 पे है, मेरा हाथ यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं है। अब मैं रेस दूंगा वैसे ही तो हट जाएगा। देखो गाइस हट गया क्रूज मोड। तो गाइस ये है इसके फंक्शंस। अब चलते हैं अपने वापस से। अरे भाई साहब, अच्छा ये हाइपर है। ओरे 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 भाई साहब, बहुत तेज। तो गाइस भैया ने मेरे को हाइपर का तो बताया ही नहीं था कि इसमें हाइपर मोड भी है। अच्छा मतलब हाइपर मोड में एकदम से पिकअप पकड़ती है। तो गाइस आप लोगों ने देखी होगी क्लिप भाई, हाइपर में एकदम से इसने मोड पकड़ा। और तो गाइस ये है इसका ओवरलुक। ये चलती कितनी है, मतलब एक बार पूरा चार्ज होने में कितने किलोमीटर चल जाएगी? मैं बताया ना मोड के हिसाब से। अच्छा मोड, अगर हम इसको नॉर्मल में चलाते हैं तो लमसम 152 उसमें लिखा था। अभी 88% को 118 किलोमीटर चल रही है। अच्छा तो भाई इसका हाइपर मोड भी देखा। अच्छा इसके लिए डीएल अलाउड है क्या? डीएल आर सब अलाउड है। अच्छा तो भाई देखिए डिस्क आती है पीछे इसके, और फ्रंट में डिस्क नहीं आती। तो भाई अब इसके लेते हैं सिनेमैटिक, फिर आपको एंजॉय कराते हैं। गाइस देखो यहाँ से आवाज़ तेज़ हो रही है, भैया ने आवाज़ तेज़ कर दी। आवाज़ बजने लगी गजब। गाइस ये फंक्शन, ये है इसका हॉर्न की आवाज़, ये आ गया इंडिकेटर क्रूज मोड पावर का। यहाँ पावर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऑफ। और ये क्या है गाना चेंज करने का? अच्छा अच्छा उसका। तो गाइस ये देख लो गाड़ी अभी पार्क्ड है। ये सारे के सारे फंक्शन, और भी गाइस बहुत सारे फंक्शन हैं जो अभी हमें भी नहीं पता, भैया को भी नहीं पता, नई नई गाड़ी आई है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस ये देखो, ये है कंफर्ट। ये पापा तो अभी इको में ही चला रहे हैं, इको मोड में। और भाई कितने दो लोगों के हिसाब से गाइस कितनी कम्फर्ट गाड़ी है ये। मैं तो स्प्लेंडर पे हूँ फिलहाल अभी, देख रहे हो। और दो लोग, भैया ने तो भाई एकदम से एक्सीलेटर दिया था, मेरी तो भाई फटी गई थी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाइपर मोड भी कोई सा आता है, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड सुना था। देखो भाई कितने आराम से जा रहे हैं। दो लोगों के हिसाब से भाई बेस्ट स्कूटी है अगर किसी को भी चाहिए। और गाइस इसकी प्राइसिंग भाई 1,60,000 रुपये भाई साहब, अलग ही। अब भाई चलते हैं घर, फिर बताते हैं। अच्छा स्टैंड लगा तो नहीं चलेगी? अभी भी चल रही। अच्छा लॉक्ड है। अरे अब मैं आ चुका हूँ घर। और गाइज आप लोगों ने देखी स्कूटी? गाइज मैंने सुना था पापा से कि भाई ऐसी ऐसी स्कूटी है, बट लिटरली भाई देखकर तो भाई मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया उसको स्कूटी को देखकर। क्योंकि यार मतलब भाई यार इतनी तेज उसका पिकअप, तो आप लोगों ने हाइपर पे क्लिप पे देखा होगा भाई, मतलब 20 से 60 वो 3 या 4 सेकंड में पहुंच गई थी, इतनी तेज उसकी स्पीड थी भाई। और
भाई ये गाड़ी आई है बैटरी, और ये गाड़ी अच्छी भी है क्योंकि भाई पॉल्यूशन वाली गाड़ी ज़्यादातर ख़त्म हो रही है। और गाइस इधर लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी है, 1,60,000 रुपये की है भाई, आप लोगों ने सुना था भैया के मुँह से। लेकिन यार थोड़ा लॉन्ग टूर में दिक्कत आती है इन गाड़ियों में, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टूर की नहीं कर पाएंगे, अगर हमें कहीं ज़्यादा लंबा जाना है तो वहाँ पर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, वरना भाई ये सब बेस्ट है, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और गाइस बताना आपको आगे इसमें और अच्छी चाहिए भी चाहिए। गाइस मैंने क्या सोचा है कि यार ओला से ना ड्रैग रेस करानी चाहिए भाई, ओला की ड्रैग रेस कराते हैं हम लोग, पहले स्प्लेंडर से, नहीं पहले नॉर्मल स्कूटी से, देन स्प्लेंडर से, देन अपनी R15 से, बताना भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि 0 से 100 के बीच में तो मेरे ख्याल से R15 भी इसकी टक्कर ले पाएगी हाइपर मोड में, क्योंकि गाइस मैंने उसका मैंने चलाया ना, मेरे को पता है, ऐसे देखने में ही लग रहा होगा लेकिन मैंने चलाया तो मुझे अच्छा चल रहा है कि हाइपर मोड कितना तेज़ है। तो आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि किस किस्म ड्रैग रेस करानी है भाई, ड्रैग रेस कराऊंगा। और भाई रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे भाई, इस ब्लॉग को प्यार दिखाओ जितना ज़्यादा हो सकता है भाई, शेयर करो, चैनल को बढ़ाओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।